हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि लास्ट वीडियो में आपने देखा कि हम लोगों ने इक्विसिटम का उसका क्लासिफिकेशन, उसकी हैबिट और हैबिटेट और उसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम उसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे, जिसमें हम उसके TS देखेंगे एरियल स्टेम का, उसका TS पढ़ेंगे हम रूट का, और TS ऑफ राइजोम पढ़ने वाले। यानी कि हम टोटली इस वीडियो में इक्विसिटम के इंटरनल स्ट्रक्चर्स को देखेंगे और डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में स्टेम के बारे में पढ़ते हैं कि उसका स्टेम किस तरीके का है ना। अगर हम इंटरनली उसको देखेंगे तो हम उसको ट्रांसफर सेक्शन देखने वाले हैं एरियल स्टेम का। द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एरियल स्टेम शोज द फॉलोइंग टिश्यू सिस्टम। यानी कि जो उसका इंटरनल स्ट्रक्चर है एरियल स्टेम का, वो क्या क्या सिस्टम शो कर रहा है उसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। तो पहला पॉइंट जो हमारा आता है, जो पहला पार्ट आता है एरियल स्टेम का, वो आता है हमारा एपिडर्मिस। एपिडर्मिस क्या होता है? एपिडर्मिस इज सिंगल लेयर्ड। एपिडर्मिस जो है वो सबसे आउटर लेयर होती है किसी भी स्टेम की, किसी भी रूट की। तो वो कैसी है यहाँ पे इक्विसिटम की? एपिडर्मिस जो है वो सिंगल लेयर्ड है, यानी कि सिंगल एक लेयर से सिर्फ एपिडर्मिस की है, ठीक। एंड इट्स सेल वॉल इज हेवीली सिलिसिफाइड। जो उसकी सेल वॉल है ना, एरियल स्टेम की, इक्विसिटम के स्टेम की जो सेल वॉल है वो कैसी है? सिलिसिफाइड, यानी कि सिलिका उसमें बहुत सारा अमाउंट में प्रेजेंट है। स्ट्रोमेटा आर प्रेजेंट इन द सेल्स ऑफ द एपिडर्मिस। जो एपिडर्मिस, जो हमारा एपिडर्मिस है इसका स्टेम का, उस पर स्ट्रोमेटा प्रेजेंट है, ठीक है। अभी आगे हम देखेंगे कि स्ट्रोमेटा का क्या काम होता है। फिर नेक्स्ट हमारा पार्ट है इसका कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स जो है वो कैसा है? कॉर्टेक्स इज ब्रॉड एंड डिफ्रेंशिएटेड इंटू 4 zones। कॉर्टेक्स जो है वो इक्विसिटम का बड़ा है और वो डिफ्रेंशिएट कर रहा है 4 zone में, है ना। 4 उसके जोन है। कौन कौन से? पहला क्या है? एन आउटर मोस्ट कॉर्टेक्स मेड अप ऑफ स्क्लेरेनकाइमेटस सेल। यानी कि जो कॉर्टेक्स का बाहरी वाला एरिया है, सबसे बाहर वाला जो जोन है, वो कैसा है? स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स का बना है। और स्क्लेरेनकाइमेटस क्या होती है? वो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। नेक्स्ट आता है हमारा मिडिल कॉर्टेक्स मेड अप ऑफ क्लोरेनकाइमेटस सेल। जो मिडिल में कॉर्टेक्स प्रेजेंट है ना, वो कैसी है? क्लोरेनकाइमेटस है, यानी कि उसमें क्लोरेनकाइमा प्रेजेंट है। इनर कॉर्टेक्स कैसी है? थिन वॉल्ड की है, जिसमें पेरेनकाइमेटस सेल्स हैं। और जो इनर मोस्ट लेयर है कॉर्टेक्स की, इज द सिंगल लेयर्ड है एंडोडर्मिस विद कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। और जो एंडोडर्मिस है वो कैसी है? उसमें कैस्पेरियन स्ट्रिप्स प्रेजेंट है। तो ये हमने क्या पढ़ा कि जो कॉर्टेक्स है इक्विसिटम की स्टेम का, वो कैसा है? 4 zones में है। आउटर मोस्ट कॉर्टेक्स, मिडिल कॉर्टेक्स, इनर कॉर्टेक्स और इनर मोस्ट लेयर भी प्रेजेंट है। फिर नेक्स्ट हम उसकी बात करते हैं स्टील की, कि स्टील किस तरीके का प्रेजेंट है इक्विसिटम का। तो बेनेट द एंडोडर्मिस, यानी एंडोडर्मिस के नीचे ही क्या है? लाय द स्टील। स्टील जो है एंडोडर्मिस के नीचे है। स्टील इज डाइसेक्टेड सिफनो स्टील। स्टील किस टाइप की है? सिफनो स्टील। सिफनो स्टील मतलब क्या होता है? जिसमें कि जो स्टील में जो वैस्कुलर बंडल्स होते हैं, यानी कि जो जाइलम और फ्लोएम्स होते हैं, वो कैसे अरेंज होते हैं? वो एक रिंग में अरेंज होते हैं, यानी कि वो एक ऐसे रिंग लाइक स्ट्रक्चर में ऐसे जाइलम प्रेजेंट्स होते हैं, ठीक है। ऐसी कंडीशन को क्या कहते हैं? सिफनो स्टील। यानी कि जो स्टील है वो कैसा है? जो जाइलम और फ्लोएम है वो कैसे हैं? रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं ऐसे, ठीक है। ऐसी स्टील को कहते हैं सिफनो स्टील। और अगर स्टील के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है, तो मैंने एक वीडियो इस अपने चैनल पे बना रखी है, जिसमें हम पूरा डिटेल में स्टील ही पढ़ाया है मैंने, ठीक है। तो आप वहां से भी देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि ईच बंडल हैज 3 small strands ऑफ जाइलम बिटवीन विच लाइज द फ्लोएम स्ट्रैंड्स। ईच बंडल क्या है? 3 small strands हैं जाइलम के, किसके बीच में? फ्लोएम के स्ट्रैंड्स के बीच में। द सेंटर इज ऑक्यूपाइड बाय अ हॉलो पिथ कंटेनिंग वाटर। सेंटर में क्या है? पिथ भी प्रेजेंट है, जिसमें क्या प्रेजेंट है? वाटर प्रेजेंट है। तो ये हमारा डायग्राम है किसका? TS ऑफ एरियल ब्रांच थ्रू एन इंटरनोड। इंटरनोड वाले एरिया की, जैसे सपोज करिए ये ब्रांच है हमारी,
ये नोड है, ये नोड है, तो ये जो ये एरिया है इसका टीएस जो है कट करके देखा गया है, तो टीएस का डायग्राम जो है वो ऐसा है। अब इस डायग्राम में देखते हैं कि सबसे पहले क्या हमने पढ़ा था, एपिडर्मिस की बात करी थी कि एपिडर्मिस सिंगल लेयर की होती है, फिर स्टोमेटा प्रेजेंट थे, ठीक है, एपिडर्मिस पे क्या प्रेजेंट थे ये आपको देखो स्टोमेटा देखने को मिलेंगे, इसके अंदर स्क्लेरेंकाइमेटस कॉर्टेक्स में स्टोमेटा ये प्रेजेंट है, बहुत सारे स्टोमेटा प्रेजेंट है। फिर नेक्स्ट हमारा कॉर्टेक्स क्या था कि जो क्लोरेनकाइमेटस सेल्स का बना था, फिर वेलिकुलर कैनाल्स प्रेजेंट थी, एंडोडर्मिस है, एंडोडर्मिस जो है वो इनर लेयर है, एंडोडर्मिस में क्या है अंदर स्टील कैसी है वो सिफनो स्टील है, यानी कि जो जाइलम है ये देखो जाइलम के जो ये वैस्कुलर बंडल्स है, जाइलम और फ्लोएम ये कैसे है रिंग में है, और ये बीच में हमारा क्या है ये खाली एक क्या है हॉलो पिथ प्रेजेंट है, जो कि पिथ में क्या प्रेजेंट है वॉटर प्रेजेंट है। तो ये तो हमारा हुआ टीएस ऑफ एरियल स्टेम। नेक्स्ट हम इंटरनल स्ट्रक्चर किसकी बात करेंगे, टीएस ऑफ राइजोम, यानी कि राइजोम का जो ट्रांसवर्स सेक्शन है वो कैसा है। द राइजोम इन ट्रांसवर्स सेक्शन शोज सिमिलर स्ट्रक्चर लाइक दैट ऑफ एरियल स्टेम एक्सेप्ट द फॉलोइंग डिफरेंसेस, यानी कि जो इनके कहने का मतलब है कि जो स्ट्रक्चर जो हमने अभी स्टेम का पढ़ा है ट्रांसवर्स सेक्शन वो सेम राइजोम का भी होता है, बस उसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, यानी कि कुछ ऐसे डिफरेंसेस हैं जो हम यहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे, जैसे कि एब्सेंस ऑफ स्टोमेटा इन द एपिडर्मिस। जैसे अगर स्टेम की हमने क्या देखा था कि स्टेम की जो एपिडर्मिस थी उसमें स्टोमेटा प्रेजेंट थे, ठीक है, लेकिन जो राइजोम की एपिडर्मिस है वहां पे स्टोमेटा एब्सेंस है, यानी कि स्टोमेटा प्रेजेंट नहीं है। नेक्स्ट क्या डिफरेंस है कि कॉर्टेक्स जो है वो डिवॉइड ऑफ फोटोसिंथेटिक क्लोरेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा इज पुअरली डेवलप्ड, यानी कि जो इनका कॉर्टेक्स है राइजोम का उसमें क्या है फोटोसिंथेटिक क्लोरेनकाइमा देखने को नहीं मिलेगा, और जो स्क्लेरेनकाइमा भी होगा वो पुअरली डेवलप्ड होगा, वो भी यानी कि बहुत कम अमाउंट में होगा, ठीक है। पिथ में भी सॉलिड और हॉलो होगी, पिथ जो होगी वो सॉलिड होगी या हॉलो होगी, ठीक है। तो ये टीएस जो है राइजोम का है बहुत सिमिलर है स्टेम से, इसलिए इसको डिटेल में नहीं बताया गया है, बस जो जो मेन डिफरेंसेस है वो एक्सप्लेन किया गया है। फिर नेक्स्ट हमारा आता है टीएस ऑफ रूट, है ना, रूट का ट्रांसफर सेक्शन हम देखते हैं। द रूट इन ट्रांसफर सेक्शन शोज एपिब्लेमा कॉर्टेक्स एंड स्टील, जो रूट है हमारा इक्विसिटम का उसमें क्या क्या प्रेजेंट है, एपिब्लेमा है, कॉर्टेक्स वाला एरिया है और स्टील प्रेजेंट है। तो कॉर्टेक्स जो है वो कैसी है, डिवाइडेड इनटू टू लेयर्स, कॉर्टेक्स जो बीच में है वो दो लेयर्स में डिवाइडेड है, एन आउटर थिक वॉल जोन फॉर्मिंग एक्सोडर्मिस एंड एन इनर थिन वॉल पेरेनकाइमेटस जोन फॉर्मिंग एंडोडर्मिस। जो आउटर वॉल है दो लेयर में कॉर्टेक्स डिवाइड है, आउटर जो है वो थिक वॉल है यानी कि मोटी सी परत है, वो जोन क्या कहलाता है एक्सोडर्मिस कहलाता है, और जो इनर है वो थिन है पतली सी है पेरेनकाइमेटस है जोन, और क्या कहलाती है एंडोडर्मिस, यानी कि पेरेनकाइमेटस ज्यादा समझते हैं उसके जो सेल्स हैं वो पेरेनकाइमेटस नेचर के हैं। एंडोडर्मिस क्या है, इस टू लेयर्स ऑफ सेल्स थिक, एंडोडर्मिस दो लेयर की थिक की लेयर है। स्टील वेरीज फ्रॉम ट्राईआर्क टू टेट्राक, यानी कि स्टील कैसी है ट्राईआर्क है या टेट्राक नेचर की है। मेटाजाइलम जो है सेंटर में प्रेजेंट है, स्टील का मतलब समझते हैं जो वैस्कुलर बंडल्स हैं वो या तो तीन या चार के अमाउंट में प्रेजेंट है। अब यहाँ पे हम डायग्राम को देख लेते हैं, सबसे पहले टीएस अगर देखें इक्विसिटम का रूट का तो क्या है, इक्विसिटम की रूट का टीएस अगर देखेंगे तो सबसे पहले क्या आता है ये एपिडर्मिस, फिर कॉर्टेक्स वाला एरिया आ जाता है ना, उसमें कॉर्टेक्स दो लेयर में डिवाइडेड है आउटर और आउटर एक्सोडर्मिस और इनर एंडोडर्मिस में। एंडोडर्मिस जो है टू लेयर की थिक है, आउटर एंडोडर्मिस इनर एंडोडर्मिस, फिर उसके बाद बीच में वैस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, वो कैसे हैं स्टील कैसी है ट्राईआर्क से टेट्राक नेचर की है, और मेटाजाइलम बीच में प्रेजेंट है सेंटर में, ठीक है। फिर उसके बाद ये हमारा स्ट्रक्चर क्या कहलाता है टीएस ऑफ रूट। तो ये वीडियो जो थी हमारी वो इंटरनल स्ट्रक्चर था, हमने क्या पढ़ा इक्विसिटम का इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो हम उसका रिप्रोडक्शन के बारे में देखेंगे।